दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, इंसोमेनिया यानी अनिंद्रा, नींद नहीं आने के सबसे असरदार घरेलू उपाय। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको अनिंद्रा से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है। जिस तरह से अच्छा भोजन करने से हमारे शरीर को ताकत और एनर्जी मिलती है, उसी तरह से एक अच्छी नींद खासकर हमारे दिमाग के लिए भोजन की तरह काम करके उसे एनर्जी प्रदान करती है। इंसोमेनिया यानी अनिंद्रा वैसे तो सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन केवल ठीक से नींद नहीं आने के कारण शरीर में कई दूसरी बीमारियां भी समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। कुछ लोगों को कच्ची नींद आती है, यानी सो जाने के बाद भी रह रहकर उनकी आंखें खुलती रहती है, और कुछ लोगों को बहुत देर के बाद नींद आती है जिसमें कि बार बार करवटें बदलने के बावजूद नींद नहीं आती है। इसके अलावा कई स्थितियों में लोगों को नींद तो आ जाती है लेकिन बीच रात में या समय से पहले उनकी नींद खुल जाती है और उसके बाद दोबारा नहीं आती। ऐसे में भी नींद रोजाना अधूरी रह जाती है। अधूरी नींद की वजह से हमारे शरीर और दिमाग के साथ साथ हमारी त्वचा पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आंखों में सूजन और आंखों के आसपास काले घेरे, बालों का झड़ना और त्वचा का रंग काला पड़ता जाना, शरीर में ब्लड प्रेशर और वजन का तेजी से बढ़ना, स्वभाव में आलस और चिड़चिड़ापन होने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होने और कंसंट्रेशन पावर यानी ठीक से ध्यान ना लगा पाने की समस्या, यानी ये सारी समस्याएं अच्छे से नींद नहीं लेने के कारण आती हैं। इसका हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने वाली क्षमता भी कमजोर पड़ने लगती है। वैसे तो नींद न आने के कई तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस, खाने पीने और सोने के टाइम टेबल पर गड़बड़ी तथा ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन रात के समय नींद न आने के मुख्य कारण है। साथ ही जो लोग दिन के समय सोते हैं या सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी रात के समय आसानी से नींद नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपयोग के बारे में, जिसे आप करके अनिंद्रा यानी कि नींद की कमी को दूर कर सकते हैं। जिनके रोजाना उपयोग से आप रात के समय नींद ना आने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और कम समय में ही आप रोजाना एक अच्छी और गहरी नींद भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे के लिए। इसके लिए हमें चाहिए कद्दू के बीज, सूखे खजूर यानी छुआरे, खसखस और बादाम। अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन नामक का एमिनो एसिड बहुत ही जरूरी होता है, जो कि कद्दू के बीज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे हमें बहुत जल्दी नींद आने लगती है। इसके अलावा कद्दू के बीजों में जिंक की मात्रा भी अधिक होती है, और ऐसी सभी चीज़ें जिसमें ट्रिप्टोफैन और जिंक दोनों ही अधिक मात्रा में होते हैं, वो हमारे शरीर में दिमाग को शांत करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, और इनका सेवन करने के बाद हर बार आपको सोते समय गहरी नींद ही आती है। इन सारी चीज़ों को हमें बारीक पीसकर इनका एक पाउडर तैयार करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले 100 से 150 ग्राम सूखे हुए खजूर यानी कि छुआरे के दाने लेने हैं। इसे अच्छी तरह बारीक टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके इनका बारीक पाउडर बना लें, और इसी तरह कद्दू के बीज, खसखस और बादाम को भी मिक्सर में अच्छी तरह चलाकर उसका भी पाउडर बना लें। फिर 100 ग्राम कद्दू के बीज के पाउडर में 100 ग्राम बादाम पाउडर और 100 से 150 ग्राम छुआरे के पाउडर यानी सूखे हुए खजूर, उसके बाद 50 ग्राम खसखस पाउडर को भी मिला दें। इन सबको सही से मिलाकर, अच्छी तरह मिलाकर एक एयरटाइट जार में रख लें। ये नुस्खा आपका तैयार हो गया है। इसमें हमने पॉपी सीड यानी कि खसखस का इस्तेमाल किया है। खसखस हमारे पेट, त्वचा और दिमाग के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसके अंदर जिंक, मैगजीन और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। रोजाना शाम को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करने से हमारा दिमाग शांत होता है, जिससे कि बिस्तर पे लेटने मात्र से ही हमें नींद आने लगती है। इसके अलावा छुआरों के अंदर भी ट्रिप्टोफैन की मात्रा होती है, और साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग को अच्छी तरह
ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। सारी चीजों से मिलकर बने इस नुस्खे को रोजाना रात को सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले करें। इसके लिए आप 1 कप हल्के गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच इस चूर्ण को मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं। और एक अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे शरीर को जितने भी तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो सभी इस चूर्ण में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने के बाद नींद ना आने और रात को बीच बीच में नींद टूटने की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। और लगातार इसके सेवन से इंसोमेनिया और स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियों में भी काफी तेजी से सुधार आता है। इसके अलावा दूसरा नुस्खा है जो कि आप सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है केले और केले के छिलके। बिस्तर पर लेटते ही अच्छी नींद के लिए हमारी बॉडी में मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो लोग बिस्तर पर रात भर करवटें बदलते रहते हैं उनके शरीर में अक्सर इन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, और इन सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए केले से बनी हुई चाय सबसे बेहतर होती है। केले की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक केले को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और उसके ऊपर और नीचे के हिस्से को काट कर अलग कर लें। उसके बाद केले को 2 से 3 हिस्सों में काट लें और इसे 3 कप पानी में डालकर 5 मिनट के लिए मध्यम आंच पर बॉईल करें। 5 मिनट तक बॉईल करने के बाद इसमें 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर या 1 दालचीनी की स्टिक डालकर इसे 2 से 3 मिनट और उबालें। उसके बाद गैस को बंद करके इसे ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये हल्का गर्म रह जाए तो आप इसका सेवन करें चाय की तरह। केले की चाय का सेवन रात को सोने से पहले करने से ये हमारे शरीर के मांसपेशियों और दिमाग को रिलैक्स करता है, और साथ ही इसमें पाए जाने वाले ट्रिप्टोफैन की वजह से हमारे बॉडी में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स में बढ़ोतरी होती है। ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे दिमाग को शांत करने वाले हार्मोन्स होते हैं। जिन लोगों को नींद देर से लगती है या फिर रात में बीच बीच में नींद खुलती रहती है उन्हें इस चाय का जरूर सेवन करना चाहिए। रोजाना इसका इस्तेमाल करने से शरीर में आवश्यक पोषक तत्व की कमी पूरी होती है और साथ ही नींद ना आने की समस्या भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। घरेलू नुस्खों के अलावा भी कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें भी हैं जो कि दिमाग और नींद के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है, जिसमें कि ब्रह्मी, अश्वगंधा और शंख पुष्पी सबसे मुख्य है। आयुर्वेद में ब्रह्मी का इस्तेमाल पुराने समय से ब्रेन टॉनिक की तरह किया जाता आ रहा है। नींद दिमाग और आंखों से जुड़ी हुई हर बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार रात को ठीक से नींद ना आने की वजह से हमारे सर में दर्द होने लगता है। ऐसे में सुबह शाम ब्राह्मी और अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करने से इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है। 1/2 चम्मच ब्राह्मी और 1/2 चम्मच अश्वगंधा के चूर्ण को 2 कप पानी में डालकर तब तक बॉईल करें जब तक ये पानी घटकर 1 कप शेष ना रह जाए। इसके बाद गैस को बंद करके थोड़ा ठंडा होने पर इसका सेवन करें। दिन के समय इसे पीने से हमारा दिमाग शांत रहता है और हल्का भी रहता है, और पूरे दिन हमारे शरीर में अच्छी एनर्जी बनी रहती है, जिससे रात में भी अच्छी और आसानी से गहरी नींद आ जाती है। ब्राह्मी का चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप ब्राह्मी के चूर्ण की जगह इसके रस या जूस का सेवन करते हैं तो भी ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। इसके अलावा कई बार जो लोग दिन में ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं उन्हें भी रात के समय नींद आने में समस्या आती है, क्योंकि ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सामने बैठने पर इसका हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, और रात के समय हमारे दिमाग को शांत होने में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में रोजाना रात को सोने से पहले अपने दोनों आँखों को अच्छी तरह से धो लें
और सोते समय अपनी दोनों आंखों पर गुलाब जल में भिगोए हुए कॉटन को 10 मिनट के लिए रखें। ऐसे में ये आपकी आंखों और दिमाग के नसों को ठंडक पहुंचाकर दिमाग को शांत करने में मदद करता है और जल्दी नींद लाने में इससे बहुत ही फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आप एक लंबे समय से नींद ना आने की समस्या से परेशान है तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को तेजी से खत्म करने के लिए रोजाना सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर तिल या नारियल के तेल से मालिश करें। हमारे पैरों के तलवों के नशे हमारे शरीर के कई मेन ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए तेल की मालिश करने से इसका हमारे पूरे शरीर पर असर पड़ता है। सोने से पहले पैरों की तिल के तेल से मालिश करने से ये हमारे कमर, पीठ, कंधे, दिमाग की नसों को शांत करता है और साथ ही हमारे पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है, जिससे कि हम बहुत आसानी से एक गहरी और अच्छी नींद का अनुभव कर पाते हैं। कहा जाता है कि अच्छी नींद के लिए रात के समय नहाना भी बहुत लाभकारी होता है, लेकिन हर मौसम में रोजाना रात को नहाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए नहाने की जगह केवल अपने दोनों पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में रखने से भी आपको बहुत ही आसान और बहुत ही आराम मिलता है। ऐसा करने से हमारे शरीर और दिमाग की नसों को बहुत ही शांति मिलती है और बिस्तर पर लेटते ही आसानी से नींद आ जाती है। इसके अलावा सोते समय अपने रूम की सारी लाइटें बंद रखें या फिर हल्के लाल रंग के लाइट का ही इस्तेमाल करें। इन सारे घरेलू नुस्खों के साथ साथ कुछ आवश्यक सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो किए हुए सारे नुस्खे केवल कुछ गलतियों की वजह से पूरी तरह बेअसर हो सकते हैं। सोने से पहले कम से कम 30 से 45 मिनट पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हमारे दिमाग को देर तक जागने के लिए मजबूर करती है, जिससे कि नींद आने में बहुत अधिक समय लगता है। इसके अलावा अगर आप शाम के समय चाय पीते हैं तो नींद न आने की समस्या में शाम के समय आप इसका सेवन करना बंद कर दें, और खास करके अगर आपको इंसोमेनिया की बीमारी है काफ़ी समय से है तो आप चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ों का सेवन करना बिल्कुल ही बंद कर दें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि सोने से पहले ऐसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो जिससे कि सोते समय उसका ख्याल आए आपके दिमाग में, जैसे कि किसी भी तरह का टीवी प्रोग्राम, मूवी या फिर काम से संबंधित बातें जो कि देर तक दिमाग में ही घूमती रहे। हमेशा कोशिश करें कि सोने से पहले दिमाग को अच्छी तरह शांत करें। इसके लिए आप अच्छी म्यूजिक को भी सुन सकते हैं या समय हो तो आप किताबें भी पढ़ सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को लगातार नींद न आने की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा सोने से पहले यही सोचते हैं कि आज भी नींद नहीं आएगी। कई बार सिर्फ ऐसी सोच से ही नींद नहीं आती है और आपको रात भर करवटें बदलने पर मजबूर कर देती है। इसलिए सोने से पहले हमेशा अपने मन को शांत रखें और केवल सोने के बारे में ही सोचें और यही सोचें कि आज आराम से और चैन की नींद आएगी। अगर आप रात को ज़्यादा मसालेदार या हैवी डिनर करते हैं तो ऐसे में भी आपके शरीर में हलचल बनी रहती है और आपका दिमाग सोने के लिए तैयार नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें कि रात के समय हल्का और घर का बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। सोने से पहले पानी पीना भी बिल्कुल ना भूलें। इन सभी सावधानियों के साथ अगर आप आज की वीडियो में बताए गए घरेलू नुस्खों में से कुछ नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंसोमेनिया यानी स्लीप डिसऑर्डर से हमेशा छुटकारा मिल जाता है, या आपको रात में नींद नहीं भी आती है तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप हमेशा रोजाना चैन की नींद ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे द्वारा बताए गए इन नुस्खों को इस्तेमाल करके अपनी इंसोमेनिया यानी अनिंद्रा की समस्या को दूर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए
फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।